हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर डाल दीजिए। तो आज मैं ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और मैं ये आज जो क्वेश्चंस डाल रही हूँ ये चारों यूनिट से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, यूनिट वन से लेकर यूनिट फोर तक का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इसमें लगभग क्वेश्चन हैं 35-36 क्वेश्चन लगभग हैं, और आशा करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो ये वीडियो डाल रही हूँ ये लघु उत्तरीय प्रश्न के वीडियो हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा, शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण में आपको पढ़ना है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। ये तीनों पढ़ लीजिएगा, इससे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो शिक्षा के अभिकरण में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा, और डिफरेंस भी पूछ सकता है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच में या निरौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल मीडिया एवं शिक्षा। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण, सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं, एंड नेक्स्ट सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमांतीकरण का अर्थ बताइए। आपकी दृष्टि में रेडियो और टेलीविज़न शिक्षा के अभिकरण हैं या साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है बच्चे के या बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए परिवार का पर्यावरण, सॉरी यहाँ वातावरण होगा, परिवार का वातावरण होगा कैसा होना चाहिए। यहाँ पे गलती से पर्यावरण हो गया है, परिवार का वातावरण कैसा होगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया के लाभ, एंड नेक्स्ट पत्राचार शिक्षा और खुली शिक्षा में अंतर बताइए। नेक्स्ट यूनेस्को के क्या उद्देश्य हैं और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ओके, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, एंड नेक्स्ट 18 नंबर यथार्थवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट इसी से है यथार्थवाद से, यथार्थवादी शिक्षण के क्षेत्र में दृश्य और श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर अधिक बल क्यों देते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रकृतिवादी शिक्षा के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। 22 रूसो ने शिक्षा को किस रूप में स्वीकारा है। रूसो की नकारात्मक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट विवेकानंद शिक्षा की सर्वोत्तम विधि किसे मानते थे और क्यों। ओके, गांधी जी के 3H की शिक्षा से आप क्या समझते हैं या आप उसके बारे में क्या जानते हैं, ये आपको पढ़ना है। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार से आप क्या समझते हैं। संस्कृति और शिक्षा में संबंध बताइए। भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट संस्कृति और सभ्यता में संबंध बताइए।
सांस्कृतिक संकट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक परिवर्तन करने वाले सांस्कृतिक घटकों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निर्बल वर्गों की शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु क्या विशेष प्रावधान किया गया है? एंड नेक्स्ट, स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? एंड नेक्स्ट 35, बंद समाज और खुला समाज में क्या अंतर है? एंड लास्ट इज, भारत में सामाजिक हाशिए पर किस वर्ग को रखा है और क्यों? ये हो गया आज का पेपर, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं ये, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिपेक्ष पेपर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। 2 से 3 दिन में मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी डाल दूंगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए। अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को लगता है कि ये यूज़फुल है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वो लोग जो पहली बार मेरे चैनल पर हैं। और आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।